हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है करवा चौथ की खास रेसिपी जिसका नाम है फरा, जो काफ़ी हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी। चलिए बनाते हैं। ये चावल का आटा है जिसमें हमने नमक डालकर गुनगुने पानी से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अदरक, ये है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च का एक पेस्ट, ये उड़द की दाल पिसी हुई, ये चना की दाल पिसी हुई, इसमें मिलाएंगे हींग, ये चलनी जिसमें हम फरे को पकाएंगे, और ये नमक। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आपके पास स्टीमर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इसी तरह से आप भगोने में बना सकते हैं। अब आटे से हम सबसे पहले छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारी पूड़ियों को छोटी छोटी बेलकर तैयार कर लिया है। उधर हमने दोनों दालों को मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। ये देखिए, अब हम इन दालों को इन पूड़ियों के ऊपर रखेंगे ऐसे छोटा छोटा। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। ये देखिए, हमने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दालों को पूड़ियों के ऊपर रख दिया है। फरे की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम चीज़ों से बनता है, जो हमारे घरों में हरदम रहता ही रहता है। इसको बनाने के लिए कुछ भी स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमने सब रख लिया है, अब हम इसको चलनी में रखेंगे। चलनी में हमने कड़वा तेल लगा लिया है। हम फरे को उठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। हम इसको बीचों बीच में रखेंगे एक लाइन बनाते हुए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ, ऐसे एक के बाद एक ऐसे सटाते हुए। इसी तरीके से हम सभी फरे को रख लेंगे पूरी थाली में, एक लाइन फिर दूसरी लाइन। ये देखिए, हमने सभी फरे को रख लिया। हमारा पानी गर्म हो चुका है, फरे भी रख चुके हैं चलनी में। अब हम इसको पानी के ऊपर रख देंगे बनने के लिए। देखिए, बहुत अच्छी सी भाप बन चुकी है। हम इसके ऊपर रख कर 5 मिनट पकाएंगे इन फरों को। इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर और रखेंगे। 5 मिनट बाद मिलते हैं। ये हमने फरे को रख दिया है, अब हम इसको 5 मिनट ढक के पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे फरे 5 मिनट भाप हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे। ये ऐसे ही फरे की बीचों बीच वाली लाइन में आप देखिए, जैसे मैं रख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही रखना है। इसी तरीके से हम सब रख लेंगे। इंडिया त्योहारों का देश है, आप इसे हर मौसम में बना सकते हैं, लेकिन ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो ये इसी तरीके से हमने सभी फरे को रख लिया, और 20 से 25 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसको निकाल लिया। ये देखिए कितना बढ़िया ये भाप में पक चुका है। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसको
फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमने सभी फलों को बना लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल लिया है, उसमें हमने जीरा डाला है। अब हम इनमें फलों को डाल देते हैं। सभी फलों को डाल देंगे एक साथ, जितना कढ़ाई में आएगा हम उतने फलों को एक साथ भून लेंगे। ऐसे चलाते हुए, क्योंकि हमने दालों में ऐसे ही मसाले मिर्चा नमक धनिया पत्ती सारा कुछ ऐड किया था, इसलिए हमने तड़के में भूनने के लिए इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इसको बच्चे भी खाएंगे, तो मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें ऊपर से सूखे मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मसालों को ऐड नहीं किया है। फरे तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। ऐसे ही हम उलट पुलट कर बार बार इनको चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन होने तक, इनको सुनहरा होने तक भून लेंगे। ये देखिए, हमारे फरे सुनहरे हो चुके हैं। ये हमने इनको बहुत ही अच्छे से भून लिया है। हमारे फरे बहुत ही क्रिस्पी मुलायम और सुनहरे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे टमाटर की चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हम चलते हैं, फरे को सर्व कर देते हैं टमाटर की चटनी के साथ। मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।